हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो वायरल है उस वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का वो वीडियो है उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ, और ये दूसरा वीडियो है उसका, तो मैं उसका दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर देखना दोस्तों। उस वीडियो के कारण मेरे यूट्यूब चैनल पर रील्स कॉन्टेंट का जो यूट्यूब से आता है मेल वो आया था और चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है ना दोस्तों, आप सपोर्ट करो और मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो, ठीक है ना। चलो देखते हैं उस व्यक्ति का वीडियो जो कोयल और कुत्ते और सारे जानवरों की आवाज़ निकाल देते हैं, तो आपको सुनाते हैं उनका वीडियो, तो सुने जरूर। ये मोर के पीछे मोर ही बोलती है दोस्तों। ये थी मोर की आवाज़, मोर की और मोरनी की आवाज़ जो आपने सुनी है। अब सुनो आप कोयल की आवाज़, कोयल कैसे बोलती है, तो सुनाते हैं आपको कोयल की आवाज़, सुने। भगवान का मंदिर में सेवा करते समय चारभुजा नाथ मंदिर में शंख की आवाज़ कैसे होती है वो। तो दोस्तों चारभुजा नाथ के मंदिर में जब शंख बाजता है, भगवान की सेवा का टाइम होता है, जब उसकी आवाज़ सुनता है कुत्ता, तो कुत्ता कैसे बोलता है वो सुने आप। उस कुत्ते की आवाज़ नहीं सुन, दूसरा कुत्ता दौड़ के आते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। उस बड़े कुत्ते की आवाज़ सुनकर छोटा पिल्ला आता है, तो छोटा पिल्ला कैसे बोलते हैं। आपस में दोनों को झगड़ा हो जाता है, बड़े के और छोटे के, तो वो कैसे होते हैं। रुको जरा, सबर करो। और बकरी की आवाज, बकरी कैसे बोलती है। वेल डन, तालियां होनी। और अपने राजस्थान में बोलते हैं डेक्कन, और मारवाड़ में बोलते हैं कमेडी, तो वो किस प्रकार से बोलती है। और एक पानी के अंदर रहती है वो जलकुकड़ी, तो वो किस प्रकार से बोलती है। और गधे की आवाज, गधा किस प्रकार से बोलता है।